दोस्तों देखिए, अपने आईफोन में बिना किसी सॉफ्टवेयर के स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और क्यूआर कोड भी स्कैनर कर सकते हैं। नहीं तो आपको मामूल से डालना पड़ेगा सॉफ्टवेयर। देखिए इधर कुछ ऑप्शन नहीं है। अब हम यहाँ शॉर्टकट में इसको ऑन कर सकते हैं, उस फंक्शन को। देखिए सबसे पहले अब अपने आईफोन की सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आप नीचे जाइए थोड़ा। यहाँ देखिए कंट्रोल सेंटर है, इसमें जाइए। कस्टमाइज कंट्रोलर्स, इसमें जाइए। और यहाँ देखिए ये और नीचे जाइए। ये देखिए यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, इसको प्लस पे कीजिए। ओके। और यहाँ देखिए हमारी फ्लैश लाइट, ये पहले से है, कैलकुलेटर कैमरा वहाँ आ जाएगा नीचे। देखिए और क्यूआर कोड को भी ऐड कर लेते हैं वहीं। देखिए और देखिए अब वापस जाते हैं, होम स्क्रीन में जाइए। अब देखिए इसको ऊपर कीजिए, स्लाइड कीजिए। देखिए यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डर आ गया और क्यूआर कोड भी आ गया। पहले चेक कर लेते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग, देखिए काम करता है कि नहीं। इसको प्रेस कीजिए, होल्ड कीजिए। देखिए ऐसा आ गया। अब वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ऑन कर देते हैं। देखिए स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्टार्ट। होम बटन दबा दीजिए, डायरेक्ट होम पे चला जाएगा। देखिए अब आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं यहाँ से, इजी से, बिना किसी सॉफ्टवेयर की मदद से। देखिए अब ये रिकॉर्ड हुआ नहीं, देखते हैं, चेक करते हैं। इसको फिर से ऊपर स्लाइड कीजिए, स्टॉप कर दीजिए, इसको टच कीजिए। देखिए आ गया, इसको आ गया, ये नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। देखिए ये रिकॉर्डिंग हमारा हो गया है। देखिए रिकॉर्डिंग चल रही है। ओके। देखिए अब ये हमने जैसा जैसा किया, ओके दोस्तों ये हो गया। अब देखिए क्यूआर कोड चेक करते हैं। क्यूआर कोड देखिए, कंटिन्यू पे कीजिए। कैमरा अब ऑन हो गया है। अब देखिए ऐसा हम लोग स्कैन कर सकते हैं। मेरे पास क्यूआर कोड नहीं है। क्यूआर कोड बोले तो देखिए क्यूआर कोड ऐसा रहेगा, क्यूआर कोड इसको ये स्कैन कर लेगा और इसमें लिंक रहेगा, फ़ोन नंबर रहेगा, कुछ भी रख सकते हैं, या वेबसाइट रहेगा, कुछ भी रहेगा। ओके दोस्तों, शुक्रिया।